ऊर्जा नगरी कोरबा जिले की ऐतिहासिक कटघोरा तहसील पिछले कुछ माह से आवागमन में भयंकर समस्याओं से जूझ रही है। बारिश के दिनों में यहां की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, जिससे राहगीरों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कटघोरा भाजपा मंडल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कटघोरा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बारिश के दिनों में गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि सड़क नजर नहीं आ रही। इसी संबंध में कटघोरा भाजपा मंडल द्वारा कटघोरा अनुविभागीय अधिकारी अजय कुमार उराव को ज्ञापन सौंपा गया और अनुविभागीय अधिकारी ने आश्वासन देते हुए जल्द ही समस्याओं के निराकरण की बात भी कही है। जो स्थिति पिछले 6 महीने में कटघोरा नगर की दुर्गति हुई है, चाहे वो सभी समस्याएं, चाहे बिजली हो, सड़क हो, सभी विषयों में ये सरकार एकदम फैल रही है। बार बार इंतजार करने के बाद में भी 8 महीना 6 महीना हो गए सरकार को और ये सरकार कुछ नहीं करते दिखी, तो आज भारतीय जनता पार्टी कटघोरा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने एक निश्चय किया कि सरकार का ध्यान और कटघोरा की व्यवस्था की तरफ में दिलाया जाए। और उसी के तारतम्य में आज कटघोरा मंडल के अध्यक्ष भाई संजय शर्मा जी और हमारे नगर पालिका की अध्यक्षा बहन ललिता डिकसेना जी और उपाध्यक्ष भाई पवन अग्रवाल जी के और सब नेतृत्व में हम लोग आज जो ज्ञापन देने आए हैं SDM साहब को कि ये जल्द से जल्द यहाँ की व्यवस्था को ठीक की जाए। कोरबा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिकसेना की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।